रेबारी कबीला गुज़श्ते 7 सदियों से सोग मना रही है। ये सोग उन्होंने अपने मोहसिन हुक्मरान दो सुमरों की हलाकत पर शुरू किया था, जो सन 1300 ईस्वी में अलाउद्दीन खलजी के साथ जंग में मारे गए। इसके बाद से इन ख्वातीन ने स्याह लिबास पहन लिया और यह रवायत आज भी जारी सारी है। रेबारी कौन है? रेबारी कबाइल इस वक्त इंडियन रियासत गुजरात और राजस्थान के अलावा सूबे सिंध के नगरपालकर, बदेन और उमरकोट ज़िला में आबाद हैं। तारीखी हवालों के मुताबिक वो राजपूत हैं और राजस्थान के रिहायशी हैं। कहा जाता है कि एक बादशाह ने शिकार के दौरान एक रेबारी लड़की देख ली और कबीले पर दबाव डाला कि उसका रिश्ता दिया जाए, लेकिन रेबारी बिरादरी ने इनकार कर दिया। रात की तारीखी में नकल मकानी कर गए। राजस्थान से निकलकर रेबारी सिंध के रनकच्छ और नगर पार करके इलाके में आए, जहां सुमरा ख़ानदान के दो सुमरों की हुकूमत थी। बदेन के रिहायशी के मुताबिक दो सुमरों ने उस कबीले को तहफ़ दिया, जिसके बाद वो उसके राज में बस गए। उधर अलाउद्दीन ने दो सुमरों से उसकी बहन भागन भाई का रिश्ता मांगा। जब दो सुमरों ने इनकार कर दिया तो अलाउद्दीन ने उस पर चढ़ाई कर दी। उस जंग में रेबारी बिरादरी ने दो सुमरों का भरपूर साथ दिया, लेकिन दो सुमरों को शिकस्त हुई और वो जंग के दौरान जान से हाथ धो बैठे। उनके सोग में रेबारी ख्वातीन ने स्याह लिबास ओढ़ लिया। नगर पार कर के अलावा मरपुखास और बदेन में भी रेबारी बिरादरी के लोग मौजूद हैं, लेकिन वो स्याह लिबास नहीं पहनते हैं। 1970 में राजपूत और सुमरा ख़ानदान ने उनका सोग ख़त्म करा दिया था। नगर पार करके रिहायशी का कहना है कि बेराजी इलाकों में जो रबारी रहते हैं उन्होंने अपना लिबास तब्दील कर लिया है, लेकिन हम यहीं रह रहे हैं क्योंकि उन दिनों में यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं थी, उस वजह से इतला नहीं पहुँची। अगर माँ या बाप मर जाएं तो 3 रोज़ भी सोग नहीं रहता है, लेकिन ये सोग सैकड़ों साल से चला आ रहा है। हमने उन्हें कहा कि ये सोग ख़त्म करो, वो कहते हैं कि ये नहीं, हमारी रवायत है। नगर पार करके पहाड़ी इलाकों में 10 के करीब रेबारियों के गांव हैं। 10 से 12 नौजवान मैट्रिक तक तैलीम याफ्ता हैं। उनमें से सिर्फ एक सरकारी मुलाजिम है जो पाकिस्तान पोस्ट सर्विस में चपड़ासी है। रेबारी बिरादरी के लोग माली मवेशी का कारोबार करते हैं। दूध, दही, मक्खन के अलावा जानवरों की खालें, भेड़ियों की ऊन की खरीद फरोख्त की जाती थी। जंगलात की तादाद में कमी और थर में मुसलसल कैद साली ने उनसे जानवर छीन लिए। अब उन्होंने दूसरे काम काज इख्तियार कर लिए हैं। रेबारी कहते हैं कि ये लिबास उनके अबा व अजदाद पहनते थे, अब कैसे छोड़ें जब मौत के करीब पहुंच चुके हैं। रेबारी ख्वातीन स्याह घाघरा और रंगीन चोली पहनते हैं, जबकि उस पर स्याह चादर ली जाती है। उनके शो का ये आलम है कि दुल्हन को भी स्याह लिबास पहनाया जाता है। मर्द लंगोटा और उस पर छोटी कमीज पहनते हैं, जिसके किनारों पर लेस लगी होती थी, उसे झलोरी कहा जाता है। नौजवानों ने वक्त के साथ साथ अपना लिबास तब्दील कर लिया है, जबकि ख्वातीन का वही कदीम लिबास है। रेबारी के मुताबिक ये मर्दों का लिबास भी ख्वातीन घरों में तैयार करती थी, लेकिन आज की ख्वातीन को ये बनाना नहीं आता। कुछ ही बुज़ुर्ग ख्वातीन हैं जो बना सकती हैं। 10 गाँव के आबादी में बुज़ुर्ग और उनके भाई रेबारी समेत सिर्फ 3 लोग अभी तक ये रवायती लिबास पहनते हैं। उनके मुताबिक नौजवान इस लिबास को पहनना पसंद नहीं करते हैं और शलवार कमीज पहनते हैं। वो कहते हैं, हम सुधर गए हैं बुज़ुर्ग, तुम नहीं सुधरोगे, लंगोटे में फिरते रहोगे। रेबारी कहते हैं कि ये लिबास उनके अबा व अजदाद पहनते थे, अब कैसे छोड़ें जब मौत ही करीब पहुँच चुकी है। रेबारी ख्वातीन घर गृहस्थी के कामों में महारत रखती है। वो कढ़ाई करती है जो चादरों को तकियों के अलावा खिड़की के परंदों पर भी नज़र आती है। बावर्ची खाने की सजावट से लेकर खिड़कियों पर भी कच्ची मिट्टी गूंद के नक्श व नगार बनाए जाते हैं। उन ख्वातीन के जिस्म पर सांप, बिच्छू, तारों और चांद समेत मुख्तलिफ अलामत के टैटूज बने होते थे, जो बलोग उम्र में बनाए जाते थे, जिनका मकसद जादू और बीमारी से बचना होता था। रेबारी ख्वातीन के जेवरात भी मखसूस डिज़ाइन के होते हैं, जिसमें मोतियों के बजाय खालस सोना और चांदी इस्तेमाल होती है। ये इस कदर भारी होते हैं कि कई बुज़ुर्ग ख्वातीन के कान लटकते हुए नज़र आते हैं। एक बुज़ुर्ग रेबारन ने बताया कि पहले 1.5 किलो चांदी का और हसीियत के हिसाब से सोना दिया जाता था, लेकिन मुसलसल कैद साली में उनके जानवर मर गए, अब मुश्किल से कपड़े दिए जाते थे।
रेबारी सख्त पर्दे के कायल हैं, इस कदर के शादी में वे सिर्फ मर्द ही दूल्हे का हमरा। जब का रुख्सत के वक्त दुल्हन के साथ मामू या भाई आता है जो लड़की को छोड़कर वापस जाता है। बचपन में कच्चे रिश्ते कर लेते हैं, लड़की के जवान होते ही रुख्सती कर दी जाती है। थरपारकर के करीब ज़िले बदेन में रेबारी मर्द व ख़वातीन दोनों का लिबास तब्दील हो चुका है। थर में आने वाले सालों में ये लिबास और रवायत तब्दील हो जाएगी। रेबारी कबीला अपना अनफरियत खो बैठेगा।